पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ चुकी है, जो कि इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर बना रही है। और ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बन रही है। जी हाँ, आप सभी को बताते चले कि सुपरस्टार प्रभास, जो कि पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और अपनी फिल्म बाहुबली और साहो के बाद इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्में दे चुके हैं। बताते चलें आपको कि उनकी सालार, जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बेहतरीन फिल्में दे चुके प्रशांत, उनके इस कोलेब्रेशन का इंतजार ऑडियंस को काफी बेसब्री से है, क्योंकि इस फिल्म में प्रभास एक मोस्ट वायलेंट कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, जो कि इससे पहले आपने आज तक नहीं देखा होगा। सालार का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए का है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस 28 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। रूमर्स है कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नवंबर में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब जो अपडेट निकल कर आ रही है वो फिल्म के रिलीज डेट को लेकर है, और वो ये है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस बार नवंबर में रिलीज ना करते हुए संक्रांति 2024 में रिलीज किया जा सकता है, जहां पर ये फिल्म ग्रैंड रिलीज हो सकती है। बताते चलें आपको कि सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म के जो राइट्स हैं, वो इस फिल्म के रिलीज से पहले ही काफी बड़े दामों पर बेचे जा चुके हैं। ये फिल्म सबसे महंगी प्राइस पर साउथ इंडिया की बिकने वाली फिल्म बनी है, और नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को 162 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्राइस में खरीदा है, जो कि एक तरह से साउथ इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाली डिजिटल फिल्म है। हिंदी में इस फिल्म के जो राइट्स है वो भी नेटफ्लिक्स के पास ही जा रहे हैं, और हिंदी में भी इस फिल्म के राइट्स 100 करोड़ रुपए के प्राइस में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में ये फिल्म सिर्फ डिजिटल राइट्स से ही 262 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। इस फिल्म के अमेरिकन राइट्स जो है वो 36 करोड़ रुपए की प्राइस में बिके हैं, जो कि एक तरह से एक रिकॉर्ड प्राइस है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अमेरिका में भी काफी अच्छा क्रेज देखने को हमें मिल चुका है। इस फिल्म के प्रीमियर शो के अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा टिकट ऑलरेडी बेचे जा चुके थे, जो कि एक तरह से एक रिकॉर्ड थी, लेकिन इस फिल्म के रिलीज को टलते ही इस फिल्म के जो टिकट थे उन्हें वापस कर दिया गया। अब तो बात आ रही है यहाँ पर इस फिल्म के रिलीज की और इस फिल्म के बॉक्स की, तो बताते चलें आपको कि सुपरस्टार प्रभास के बर्थडे पर इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर हम सभी को देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको सुपरस्टार प्रभास का एक्शन और दमदार विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। प्रशांत नील इस फिल्म के लिए इतना इंतजार इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस फिल्म का जो फिनिशिंग का काम है, यानी कि उसको पैच पर के जो लास्ट का बचा हुआ है उस पर थोड़ा और समय लग रहा है। यही वजह है कि सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आप जनवरी में रिलीज किया जा सकता है। बताते चलें आपको भी सालार बॉक्स ऑफिस पर इस साल होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म थी, जो कि पठान और जवान दोनों को ही बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा सकती थी। अब इस फिल्म को अगर 2024 में रिलीज किया जाएगा तो उम्मीदें हैं कि शाहरुख खान की इन दोनों ही फिल्मों के रिकॉर्ड को इस साल कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाएगी। फिलहाल सालार का जिस तरह का बज है, उम्मीदें हैं कि सालार अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 130 से 140 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, और दुनिया भर से 170 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, तो वही इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, तो ये फिल्म दूसरी 1500 करोड़ी फिल्म भी बन सकती है। देखना यही वजह है कि क्या ऑडियंस इस फिल्म को उसी तरह का रिस्पांस देती है या नहीं, जिस तरह से बाहुबली 2 को ऑडियंस ने पसंद किया था। आपको क्या सालार का इंतजार है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।